नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आठ की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सरकार बनाने के लिए आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जहां केंद्र में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। संसदीय दल की बैठक सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित की जाएगी। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मोदी 9 जून को शाम 7:15 बजे तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। तो 9 जून को एक बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार और सुबह 11 बजे आज सेंट्रल हॉल में बैठक होनी है, जिसमें संसदीय दल का नेता मोदी को चुना जाना है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, आज एक संसदीय दल की बैठक होनी है, सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और क्या कुछ संबंधित जानकारी? जी रेनू, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारी औपचारिकता जो है वो पूरी कर ली गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही, जैसा कि हमने देखा कि एनडीए के जो नेता हैं उनकी बैठक हुई थी और एनडीए के नेता की बैठक में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो है वो समर्थन जो है वो दिखाया गया था। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्री पोल अलायंस जो है वो एनडीए का है और उसमें 292 का जो बहुमत है, जो बहुमत के आंकड़े से लगभग 20 अधिक है, वो एनडीए के साथ है और इसीलिए बस अब औपचारिकता ही बची हुई है। और इसी कड़ी में आज हम देख सकते हैं कि एनडीए के सभी चुने हुए सांसद जो हैं वो मौजूद रहेंगे दिल्ली है संसद भवन के सेंट्रल हॉल में और वो फिर औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो नेता चुनेंगे और इसी औपचारिकता के बाद जो है वो राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहेंगे और मोदी 3 के लिए वो दावा पेश करेंगे। और उसके बाद हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है वो 9 तारीख को शाम को 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जब भी इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो वहां पर कुछ विशेष लोगों का जरूर बुलाते हैं, तो इस बार भी जो उनके स्पेशल इनवाइटी रहेंगे फॉरेन डिग्निटरीज तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ जो वंदे भारत में जुड़े हुए लोग जो काम कर रहे थे, लेबर मजदूर जो काम कर रहे थे, उन्हें विशेष तौर पर बुलाया गया है। साथ ही साथ जो सेंट्रल वियास्टा बन रहा है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बन रहा है, उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे उनको वो बुलाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो समाज के हर एक वर्ग के साथ वो कनेक्ट करते हैं और ऐसे में जो व्यक्ति नमो भारत से जुड़े हुए हैं, सेंट्रल वियास्टा से जुड़े हुए हैं या फिर ऐसी परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो बुलाया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें सभी सांसद जो है वो मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर अपना नेता चुनाएंगे और उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज का दिन बहुत ही खास है, सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है और अब आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली में आज एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये बैठक बेहद अहम है। बैठक में शामिल होने के लिए एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक में राज्यों की नीति और विकास को लेकर चर्चा होनी। एनडीए सरकार गठन से पहले ही शर्तों पर बात हो रही है। मंत्रालय को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों की अंदर खाने चर्चा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि टीडीपी जेडीयू सरकारी में भागीदारी के लिए बड़े मंत्रालय की डिमांड कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे,
देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालेंगे, लेकिन इस बार सरकार के गठन में शर्तों की भरमार है। जिस पार्टी का जितना वजन है उसकी उतने ही टशन है। तेलुगु देशम पार्टी की ओर से सरकार में बड़े मंत्रालयों की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है स्पीकर पद समेत 5 बड़े मंत्रालयों की मांग टीडीपी की ओर से की गई है। उधर नीतीश कुमार की जेडीयू भी सरकार में भागीदारी के लिए मंत्रालयों की डिमांड पर अड़ी है। हालांकि ये सब सीधे तौर पर नहीं कहा जा रहा। जब हम एनडीए का हिस्सा हैं, तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा है। चिराग पासवान भी एनडीए के सहयोगी दलों में शामिल है। ऐसे में एनडीए की सरकार में उनको भी मंत्रालय मिलना तय है। हालांकि उनकी ओर से कोई मांग नहीं की गई है। भाई, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, महादेव में बहुत विश्वास रखता हूँ और महादेव ने बहुत कुछ दिया है। बहुत नाशुकरा होऊंगा मैं कि इसके बाद भी अब कोई इच्छा रखूं या महत्वाकांक्षाएं रखूं। बिहार से ही जीतन राम मांझी की पार्टी ने एक मंत्रालय की मांग की है। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे रामदास अठावले भी मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। पूरे देश भर के कम से कम 20 राज्यों में मैं जाकर आया हूँ और वहाँ के मेरे कार्यकर्ताओं को मैंने एनडीए को सपोर्ट करने के लिए बोलकर मैं उधर आया था। इसीलिए इस वक्त मेरी मांग है कि हमको क्या कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए। कुल मिलाकर एनडीए सरकार में इस बार शर्तों की भरमार है। जिस पार्टी की जितनी सीट है वो अपने हिसाब से सरकार में भागीदारी पर अड़े हुए हैं। रिपोर्ट न्यूज 18। प्रधानमंत्री पद के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में देश से ही नहीं विदेशों से भी वीवीआईपी मेहमान शामिल हो सकते हैं। पड़ोसी देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होने की उम्मीद है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ ही भूटान के पीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य देशों के भी नेता मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। 7 जून को सबसे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। उस बैठक के अंदर एनडीए घटक दलों के सभी सांसद मौजूद रहेंगे और सभी सांसदों के साथ में तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उस बैठक में शामिल रहेंगे। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद में तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां राष्ट्रपति के सामने जाकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हर बार उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत की विदेश नीति की झलक मिलती है। पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह संभव। पीएम मोदी के नाम जुड़ेगा रिकॉर्ड, लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड। जवाहरलाल नेहरू की करेंगे बराबरी। मंत्रिमंडल पर बैठकों का दौर, राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद पीएम मोदी ने इसे जनता की जीत बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि तीसरी बार एनडीए को बहुमत जनता में उनके काम के विश्वास को दर्शाता है। साथ ही पीएम मोदी ने इस एनडीए की जीत को
सबका साथ सबका विकास के नारे की जीत बताया था। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है, ये विकसित भारत के प्रण की जीत है, ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है, ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति को टेलीफोन कर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने न्योता कबूल भी कर लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। जब एनडीए ने चुनावी जीत हासिल की तो नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाली सबसे अग्रणी नेताओं में शेख हसीना भी शामिल थी। शेख हसीना ने भी दिल्ली आने और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह से जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। कई सारे जो गेस्ट हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है, कई सारे विदेशी मेहमान भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत नेपाल, भूटान, इन सब के राष्ट्राध्यक्ष भी जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 8 या 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हो सकता है, उसके लिए तैयारियां जो है राष्ट्रपति भवन में तेज कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ पवन गौड़, नपकेट 3, दिल्ली। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संसद भवन की सुरक्षा में सेंध मारी गई है। सीआईएसएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। संसद भवन में घुसने की कोशिश नाकाम की गई। फर्जी आधार के जरिए संसद भवन में घुसने की कोशिश की जा रही थी जिसे नाकाम कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी, संसद भवन की सुरक्षा में सेंध मारने की कोशिश की जा रही थी। सीआईएसएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो संसद भवन में फर्जी तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसे सीआईएसएफ ने नाकाम कर दिया है। जी हां, दरअसल फर्जी आधार के जरिए संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे 3 लोग, जिनकी जब जांच की गई, पूछताछ की गई तो फर्जी पाया गया और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीआईएसएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर संसद भवन की सेंधमारी, सुरक्षा में सेंधमारी की गई और 3 लोग फर्जी तरीके से, फर्जी आधार के जरिए संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सीआईएसएफ ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार फर्जी तरीके से ये संसद भवन में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे। फर्जी आधार के जरिए संसद भवन में घुसने की इनकी कोशिश थी। बड़ी खबर दिल्ली से। तो देखिए, आज जो प्रमुख बैठक है, इन बैठकों में आज तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो मौके पर मौजूद रहने वाले हैं और उसके पहले ये एक बहुत बड़ी सेंधमारी की कोशिश, सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश, 3 फर्जी तरीके से, 3 लोग फर्जी तरीके से संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे और जब सीआईएसएफ जवानों ने इन्हें पकड़ लिया, इनसे पूछताछ की गई तो ये जो आधार लेकर पहुंचे थे ये फर्जी पाया गया है। इनके पास पुख्ता कोई दस्तावेज न होने के चलते अब इन्हें संदिग्ध मानकर गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला नजर आया है। ग्वालियर में 14 दिन बाद गुरुवार को भीषण गर्मी से राहत मिली, जहां अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग में आज बारिश के आसार हैं। इंदौर, रायसेन, सीहोर, विदिशा, बैतूल, खंडवा सहित प्रदेश के 21 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। दूसरी तरफ दमोह, शिवपुरी जैसे जिलों में तापमान 44 डिग्री के पास बना हुआ है और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में ऐसे ही मौसम की भविष्यवाणी की है।
और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कई जिलों में बारिश के आसार, कई जगहों पर बारिश हो भी रही है, कैसा है मौसम वहां पर? देखिए बिल्कुल रेनू, मध्य प्रदेश में मौसम के दो रूप, अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया, और जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश भी दर्ज की गई, लेकिन उसके उलट हम देखें कि ग्वालियर चंबल संभाग का शिवपुरी हो या फिर बुंदेलखंड का दमोह, ये वो इलाके हैं जहां तापमान अभी भी 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ये कह दिया था कि भले ही इन इलाकों में तापमान में गिरावट दिन के समय दर्ज ना हो, लेकिन सुबह और शाम इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश तेज हवाओं के साथ देखी जा सकती है, और वही जो है वो स्थितियां मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। हालांकि अधिकांश जिले अब ऐसे हो गए हैं जहां तापमान 40 डिग्री के नीचे आ गया है, तो 40 डिग्री के नीचे यानी अब सामान्य तापमान इसे कहा जा सकता है, जो भीषण गर्मी का सामना मध्य प्रदेश वासियों को करना पड़ रहा था उससे फिलहाल उनको राहत मिल गई है। देखिए जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिविटीज होना मध्य प्रदेश में शुरू हो गए, दक्षिणी विक्षोभ का असर जो है वो असर मध्य प्रदेश में अब दिखने लगा, और ये माना जा रहा है कि 16 तारीख तक मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा, और उसके पहले अब जो मानसून एक्टिविटीज लगातार प्री मानसून एक्टिविटीज हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में लगातार बारिश भी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ इलाकों में ऐसा भी है कि जहां सूरज की तपन अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो अभी भी सूरज की तपिश लोगों को परेशान जरूर करे, लेकिन इसे बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है और बारिश के आसार पूरे प्रदेश में बने हुए हैं। सिंगरौली में खदान धस गई है, बड़ा मामला सामने आ रहा है सिंगरौली से, जहां पर खदान धसने से दो लोगों की मौत का मामला है, दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, एक को जिला अस्पताल भर्ती किया गया, और साथ ही घटना के वक्त मौजूद 20 से 25 लोग मौके पर मौजूद थे। गढ़वा थाने के नौडी हवा की पूरी घटना बताई गई, तस्वीरें भी आप देखिए, देर रात का पूरा घटनाक्रम है जब मौके पर जेसीबी की मदद से जो मलबा था उसे बाहर निकाला गया है। दरअसल खदान धंसने का ये पूरा घटनाक्रम है, और सिंगरौली में जहां खदान धंसी वहां पर 20 से 25 लोग मौके पर मौजूद थे। खदान धंसने से दो लोगों की मौत हो गई है, दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। घटना के वक्त मौजूद थे 20 से 25 लोग, गढ़वा थाने के नौडी हवा की ये पूरी घटना बताई गई है। बड़ा मामला सिंगरौली से सामने आया है। तो एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए, और यहाँ जो खदान धंसी है मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, प्रबंधन पहुंचा, और ये जो मलबा था इसे पूरा निकाला गया, क्योंकि इसके नीचे जो काम कर रहे थे उनके दबे होने की बात कही जा रही थी। दो लोगों की मौत हो गई मौके पर, दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, और अब उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो खबर सिंगरौली से, और आप ये देखिए कि अक्सर यहाँ पर खदान धंसने जैसी घटनाएं होती रहती हैं, और यहाँ पर काम कर रहे जो मजदूर हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं, और ऐसे ही कुछ मामले एक बार फिर से सामने आया है जब खदान धंसने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और दो लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है जहाँ पर इलाज चल रहा है, दो लोगों की मौत हुई है। गढ़वा थाने के नौडी हवा की पूरी घटना बताई गई है। पेंड्रा में लाखों की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जहां पीड़ित से 4 लाख की ठगी कर ली गई। दरअसल क्रेडिट कार्ड रिन्यू करवाने के नाम पर 4 लाख की धोखाधड़ी की गई है, ऐप डाउनलोड करवाकर की गई धोखाधड़ी, पीड़ित के खाते से ठगों ने 4 लाख रुपए पार कर दिए हैं। तो पेंड्रा का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर लाखों की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया, पीड़ित से 4 लाख की ठगी की गई, क्रेडिट कार्ड रिन्यू करवाने के नाम से 4 लाख की धोखाधड़ी हुई है, ऐप डाउनलोड करवाकर की गई धोखाधड़ी, पीड़ित के खाते से ठगों ने 4 लाख रुपए पार कर दिए। मुंगेली में धान खरीदी में लाखों का गबन किया गया, 39 लाख रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप लगा है। खरीदी केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर पर FIR दर्ज कर ली गई है। अखरार धान खरीदी केंद्र में गबन का आरोप लगा है। सख्त कार्रवाई से गड़बड़ी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी खबर मुंगेली से है, जहां पर धान खरीदी में लाखों के गबन के आरोप लगे, 39 लाख रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप लगा है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। आज सुबह 11 बजे होगी